देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ अतरौलिया क्षेत्र के भगतपुर गांव निवासी जीवधन मौर्य का गांव में बना हुआ काफी पुराना मकान बारिश की वजह से जमींदोज हो गया। ये संजोग ही रहा कि सभी लोग बाल बाल बच गए। चार दिन पहले ताबड़तोड़ हुई बरसात में जीवधन मौर्य का कच्चा मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। गृहस्थी का काफी सारा सामान कच्चे मकान के नीचे दब गया, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि आवास के नाम पर केवल धांधली हो रही है। जो पात्र हैं उन्हें आवास से वंचित रखा जाता है और वहीं अपात्र लोग भी हैं जिन्हें आवास जैसी सुविधाएं शौक में आकर दे दी जाती हैं। ऐसे में गरीब परिवार तक आवास योजना का कोई लाभ नहीं पहुँचता, जिससे गाँव के गरीब तबके के लोग वंचित रह जाते हैं। जबकि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हर गरीब परिवार को छत नसीब हो। चाचा, आपका कहाँ के निवासी, इसके बारे में? जीवधन भगतपुर। ये आपका घर गिरा है, इसके बारे में बताइए, कैसे गिर गया ये? बरसात में। कब गिरा ये? अरे हम आज के 3-4 दिन पहले। अच्छा, ये बताइए कि आपको आवास मिला था अभी तक? नहीं। भरे थे आवास? भरल रहा लेकिन नहीं मिला। किसको दिए थे फार्म? वह समय चंद्रशेखर है ना, प्रधान क्योंकि है ना। हाँ, चंद्रशेखर सेक्रेटरी को भी दिए थे पता? अब हाँ, अब है आगे तक बढ़वले हुई हैं अपन अपने। जैसा कि बता रहे हैं कि आपका लिस्ट में नाम भी आया था। हाँ, तो क्या बताएं वहाँ पे कि नाम क्यों कट गया? अब पता नहीं कहे लोग काट उठ धना नहीं आया। अच्छा, ये मकान गिरा, कितना नुकसान हुआ होगा आपका? अरे लगभग 50,000। आप किस गाँव के निवासी हैं? उमेश मौर्य, भगतपुर के निवासी हैं। ये आपका घर गिर गया है, कैसे गिरा इसके बारे में बताइए? ये बारिश की वजह से गिरा है आज के 3-4 दिन पहले। और अब आवास के लिए फार्म भी डाले थे जिसमें लिस्ट में नाम आया और नाम पता नहीं कैसे कट गया। अब कहाँ से प्रधान ने ये चूक की या सेक्रेटरी ने कहाँ से चूक किया, बस कट गया। और हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं है कि घर बनवा लें। जैसे भैया, ये मकान गिरा, कितना नुकसान हुआ होगा? स्थानीय लोगों ने आपकी मदद भी की, कैसे निकाले आप लोग सामान? इसमें सामान निकाला गया बहुत डरते डरते और नुकसान तो लगभग 50-60 हज़ार रुपये का हुआ। आप क्या मांग करते हैं सरकार से कि आपको आवास मिल जाए? हम यही चाहते हैं कि हमको आवास मिल जाए, रहने लायक हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए।